जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको एक बहुत छोटा सरल सा उपाय बता रही हूँ। आप अपने पति के कपड़े पर लिख दीजिएगा ये नंबर और फिर देखिएगा कि वो आपकी बात को कैसे मानने लगते हैं। मुझसे किसी ने एक बार कहा कि आप सिर्फ औरतों के बारे में क्यों बोलती हैं, आदमियों के लिए क्यों नहीं बोलती हैं, आप औरतों का ही समर्थन क्यों करती हैं, आदमियों का समर्थन क्यों नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं औरत का भी उतना ही समर्थन करती हूँ जितना मैं आदमी का करती हूँ, और आदमी का भी उतना ही करती हूँ जितना मैं औरत का करती हूँ। दिक्कत यह है कि औरत को जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, वो उसमें कमियाँ नहीं निकालती। पर एक आदमी पहले तो अपनी चॉइस से औरत लेकर आता है, उसे कामकाजी चाहिए या उसे घरेलू चाहिए। लड़की देखने जाएंगे तो पहले शर्तें रखेंगे, हम काम नहीं कराएंगे जी आपकी लड़की से, आपकी लड़की सिर्फ घर संभाले कमाने के लिए, हमारा लड़का बहुत है, बहुत अच्छा कमाता है। गुड, आपकी चॉइस, आपने एक ऐसी लड़की को चुना जो घरेलू हो, जो घर संभाल ले, माता पिता की सेवा कर ले, परिवार को देख ले, वेरी नाइस। दूसरी तरफ आप एक लड़की देखने गए, हमें तो जी ऐसी लड़की चाहिए जो कामकाज करे, पढ़ी लिखी हो, लड़के के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और उसकी हर चीज में उसका साथ दे सके। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, चॉइस आपकी, आपने घरेलू चुनी, आपने कामकाजी चुनी। कुछ दिनों बाद क्या होता है पता है? ऐसा लिखा हुआ आता है ना, सम डेज आफ्टर, क्या होता है, घरेलू जो लड़की होती है, जो अब आपकी बीवी बन चुकी है, उसे क्या ताने मारे जाते हैं, तुम्हें बाहर का कुछ नहीं आता, और औरतों को देखो कितनी स्मार्ट है, कितना पैसा कमाती हैं, कैसे फर्राटे से इंग्लिश बोलती हैं, कैसे लोगों के साथ डील कर लेती हैं, तुम तो घर में रहकर सिर्फ खाना खाने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती। तुम करती क्या हो पूरा दिन, तुम्हारे पास काम क्या है, काम तो हम करते हैं क्योंकि हम नौकरी करते हैं। चॉइस किसकी थी, आपकी या उस लड़की की, आपकी। लड़की से ये नहीं पूछा गया था कि तुम्हें कामकाजी लड़का चाहिए या घर में बैठने वाला लड़का चाहिए, मैं कमाऊंगी तुम घर संभालोगे, ऐसा किसी लड़की ने कहा था क्या, नहीं। सिर्फ ये चीज किसके लिए लागू होती है, एक लड़की के लिए। अब आते हैं कामकाजी लड़की के लिए। एक लड़की जो पढ़ी लिखी आई, उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया, आपने अपनी चॉइस से उसके साथ शादी करी कि वो वर्किंग है, अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा कमाती है, आप उसको अपने घर ले आए। अब आपकी दिक्कतें क्या है, ये तो टाइम से घर ही नहीं आती, इसको तो अपनी नौकरी का घमंड है, ये तो जब देखो तब बाहर रहती है, इसे तो बाहरी दुनिया पसंद है, इसे तो घर के कोई काम नहीं आते। भाई आप किसी भी लड़की को ब्लेम तब करिए जब आपने अपनी चॉइस से उसे ना चुना हो। ये अरेंज मैरिज के लिए भी है दोस्तों, और ये लव मैरिज के लिए भी है। चॉइस आपकी थी, लड़की आपने चुनी थी, आपने शर्त रखी थी कि मुझे कामकाजी चाहिए या मुझे घरेलू चाहिए। अब आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, किसी और से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी और के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, उसे आप किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते कि तुम ये नहीं करती दूसरे ये करते हैं, तुम ऐसी हो दूसरे ऐसे हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चॉइस आपकी थी, आपने चुना था, आप अपनी मर्जी से उसे लेकर आए थे। लेकिन वहीं पे अगर एक लड़की है, वो आपकी हर कमियों से प्यार कर लेती है, आपकी शादी से पहले 4 अफेयर्स हैं तो भी प्यार कर रही है, आप अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं उससे कम करते हैं तब भी प्यार कर रही है, आप उसे 10 बातें उल्टी सुनाते हैं तब भी आपके साथ होती है, तो देखिए। और इस चीज़ में अगर मैं ऐसे तोलने जाऊंगी ना तो लड़कियों का पल्ला भारी है, इसीलिए सिर्फ यही वजह है कि मैं लड़कियों के लिए ज़्यादा बोलती हूँ। तो आज जब मैं वापस लड़कियों के लिए बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं अटैचमेंट या कहीं ना कहीं सिंपैथी, प्यार
उनके लिए ज़्यादा है। तो चलिए जी, आज आपको बता देती हूँ कि कपड़े के ऊपर लिख दें ये नंबर और सामने वाला हो जाएगा हमेशा के लिए आपका। क्या करना है आपको? आपको सामने वाले का एक पहना हुआ कपड़ा ले लेना है और इस कपड़े को आपको बिना धोए अपने पास रख लेना है। मंगलवार के दिन आपको इस कपड़े पर कहीं भी एक साइड में, जैसे ये किनारा होता है ना, ऐसे यहाँ किनारे पर आपको बिल्कुल महीन एकदम छोटा सा आपको लिख देना है 7271 नंबर लिख के। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, इस कपड़े के ऊपर आपको कोई भी प्लेट रख लेनी है। उस प्लेट के ऊपर आपको एक मिट्टी का दिया रख देना है। मिट्टी का दिया प्रज्वलित करिएगा, उसके बाद आप दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिएगा। 11 बार मंत्र का जाप करिएगा और उसके बाद आप वो दिया उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। इस प्लेट को धोने में डाल दीजिएगा और इस कपड़े को लेकर आपको उस अलमारी में रख देना है जिस अलमारी में उस व्यक्ति के और कपड़े रखे रहते हैं जो वो वहाँ से निकाल कर पहनते हैं। छोटा सा सरल सा उपाय है, करके तो देखिए, जीवन में इससे परिवर्तन ज़रूर आएगा। एक और छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं अगर वो आपके प्यार को वैल्यू ही नहीं करता तो आप उसका पहना हुआ एक कपड़ा ले लीजिए, धोया हुआ हो सकता है, बिना धोया भी हो सकता है। उसके ऊपर अच्छे से परफ्यूम कर दीजिए, उसके बाद पानी से, दिखेगा नहीं ना इसीलिए, पानी से उसके ऊपर लिख दीजिए 1121। उसके बाद उस कपड़े को तय मार के अच्छी से उनके वापस से आप अलमारी में रख दीजिए। जब भी वो उस कपड़े को पहनेंगे उनके अंदर, उनके हृदय में, उनकी आत्मा में आपके लिए प्रेम जागृत होगा ही होगा। छोटा सा उपाय है, करके तो देखिए, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। छोटा सा सरल सा एक उपाय और बताती हूँ, आप एक रुमाल ले लीजिए, उस रुमाल के ऊपर आप एक नंबर लिख दीजिए, नंबर होगा 8018, लाल रंग के पेन से लिखिएगा ये नंबर। इसके बाद इस रुमाल को फोल्ड करके आप अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा और रात को आराम से सो जाइएगा। अगले दिन इस रुमाल के अंदर एक मुट्ठी चावल रखकर इसे अच्छी से बांध दीजिएगा। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं, उस रुमाल के ऊपर उसका नाम नीले पेन से लिख दीजिएगा और इस रुमाल को ले जाकर आप किसी भी पौधे के या पेड़ के नीचे रख आइएगा। करके देखिए, छोटे छोटे सरल उपाय, जीवन में परिवर्तन आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।